नमस्कार, बारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बात सबसे पहले कोलकाता रेप मर्डर केस की करते हैं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब कोलकाता पुलिस ने उन्हें तलब किया है। पीड़ित डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कोलकाता पुलिस के सामने अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को दोपहर 12 बजे पेश होना है। बता दें कि इससे पहले कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज किया था और इससे पहले भी 13 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई। प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है और आज जो पूछताछ होगी वो आपको बता दें कि यहाँ पर पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में पूछताछ होगी। दरअसल यहाँ पर सवाल उठाया गया था कोर्ट की तरफ से भी। कल जब हियरिंग हुई तो साफ तौर पर कहा गया था कि तत्कालीन प्रिंसिपल का इतनी जल्दी ट्रांसफर कैसे कर दिया गया। ऐसे में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता पुलिस ने उन्हें अब तलब किया है। पीड़ित डॉक्टर की पहचान उजागर करने के आरोप में संदीप घोष को कोलकाता पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने 13 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। कोलकाता पुलिस आज पूछताछ करेगी। संदीप घोष को 12 बजे कोलकाता पुलिस के सामने पेश होना है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार का भी केस दर्ज किया है। तो कोलकाता में डॉक्टर के साथ वहशीपन के खिलाफ जारी हड़ताल पर दिल्ली में आज आईएमए बैठक करने वाली है और इस बैठक में आईएमए हड़ताल जारी रखनी है या फिर खत्म करनी है, इस पर फैसला लेगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर 9 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई है जिसका आईएमए ने स्वागत भी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने पर की अपील की, जिसके बाद आईएमए की आज महत्वपूर्ण बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि आईएमए की प्रमुख मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोडक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के विरोध में बीजेपी आज से 5 दिन तक विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे कोलकाता के श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन से होगी। बता दें कि बीजेपी ने डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदेश में प्रदर्शन की बात कही थी और कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया था, जहां से उन्हें 5 दिन के प्रदर्शन की अनुमति मिली है। उधर थाने में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना पर गुस्साए लोगों ने एक तरफ स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की है तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजरने वाली लोगों को खासतौर पर मुश्किलें हुई। नाराज लोगों ने स्कूल के क्लासरूम में टेबल कुर्सियां तोड़ दी। भीड़ के हाथ जो सामान आया वो तहस नहस कर दिया। हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। स्कूल के बाहर तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। मामला हाथ से निकलता देखा तो पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग तक की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस वालों में झड़प भी हुई, जबकि दूसरी तरफ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन तेज हो गया। पहले तो पुलिस वाले लोगों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब हालात नहीं संभले तो पुलिस ने रेलवे ट्रैक खाली करने के लिए लाठीचार्ज किया और वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस घटना में आपको बता दें कि हंगामे और बवाल के बाद पुलिस ने बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बवाल कर रहे 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया, जबकि 3 पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं। इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का हेड आईपीएस आरती सिंह को बनाया गया है, जबकि उज्जवल निकम इस केस में सरकारी वकील होंगे। मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल साहब के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थी एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ उसके बाद में डिटेल मैंने इन्फॉर्मेशन ली और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके। लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने किसी ने बोतल फेंक दिया और वहाँ पे वो लाठीचार्ज हो गया, तो इसके लिए मैं उनसे बात नहीं कर सका। लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल थे उनसे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है उनसे मैं कल शाम को बात करूंगा और उनकी जो भी समस्या है उसको हल भी करूंगा। तो बदलापुर में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसी घटना बदलापुर ही नहीं देश में कहीं नहीं होनी चाहिए।
उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। निर्भयाचे सगळे आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, पण किती वर्षांनी त्यांना फाशी दिली गेलं आणि मग या सगळ्या दिरंगाईला जबाबदार कोण? और अब आज की सबसे बड़ी खबर की जिस पर पूरे दिन निगाह हमारी बनी रहेगी। दरअसल अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बीएसपी, भीम आर्मी समेत कई पार्टियां भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगी। तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के ज्यादातर जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। एहतियातन ये फैसला लिया गया है कि स्कूल छुट्टी आज की गई है। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में भी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ साथ कोचिंग संस्था भी आज सवाई माधोपुर में बंद रहने वाले हैं। यानी जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के साथ कॉलेज भी सवाई माधोपुर में बंद रहेंगे। ऐसे कई जिले हैं एहतियातन जहां पर प्रदेश के अंदर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भारत बंद का आज आह्वान कई संगठनों की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले पोलैंड जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री की 45 साल बाद पोलैंड ये यात्रा होगी। इस दौरान पीएम मोदी का वारसा में औपचारिक स्वागत होगा। वो पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी के मिलने का कार्यक्रम है। यानी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को पोलैंड में नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल पोलैंड में रहेंगे और इसके बाद पोलैंड से ही 23 अगस्त को यूक्रेन चले जाएंगे। यहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से होनी है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पुल तो कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आई हैं। वहीं मूसलाधार बारिश से कई ज्यादातर जगह नदी और नालों में उफान है। लोगों के लिए जायज और मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। तो कहीं नदी के बीचों बीच लोग फंस गए जिनका सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने रेस्क्यू किया है। 6 तस्वीरें आपके सामने है जहां पर देखे थे किस तरह से पहाड़ हो या फिर मैदान, जगह जगह मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीरें जहां पर पुल पे देखे सैलाब उमड़ आया। सड़कें भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर नदी बह रही हो नैनीताल के अंदर। रामनगर में भी लगातार नदी नाले उफान पर है। और ये तस्वीर आपको उत्तराखंड के बागेश्वर की दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए लगातार जलस्तर नदियों का बढ़ता हुआ, पहाड़ दरक रहे हैं। सिक्किम के सिंगताम में लैंडस्लाइड, भारी तबाही और सैलाब के बीच बिहार के बघा से तस्वीर जहां पर रेस्क्यू को अंजाम देकर लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के रामनगर में कल शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया है। यहां के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत यह रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बचा लिया। तो वहीं ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया है। यहां काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर की, जहां पर देखिए किस तरीके से कल शाम शुरू हुई जोरदार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। ढिकुली ये इलाका जहां पर कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत यही रही कि कार में सवार 4 लोग बताए जा रहे हैं किसी तरह से वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने उनकी जान बचा ली। ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर है काफी देर तक यहां पर, लिहाजा ट्रैफिक तक बाधित रहा है। विकास नगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जूडो बैंक के पास लैंडस्लाइड जारी है। लगातार हो रही इस लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। नेशनल हाईवे की टीम और पीडब्ल्यूडी लगातार रास्ते को खोलने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन
लैंडस्लाइड चूंकि लगातार हो रहा है और यही वजह है कि इस रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना यहाँ लगातार मलबा रहा है, यहाँ से आवाजाही करने वाले लोगों को डाइवर्ट करते हुए बाढ़ वाला जूडो मार्ग से निकाला जा रहा है। बार बार मशीन हमारी एलएनटी मशीन काम कर रही है और जितना हम काम कर रहे हैं ऊपर से उतना ही फिर बार बार टूट जा रहा है और उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मशीन द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात खुलने की, तो अगर मौसम सही रहा, कल अगर पूरा दिन सही रहा तो हम इसको दोपहर तक खोल देंगे। बाकी अल्टरनेट रूट यात्रा के लिए हमारे पास बाढ़ वालों से जुड़ो के लिए यात्रा गतिमान है और वो हमारा सुचारू है। प्रदेश भर में आफत की बारिश बरस रही है और लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर है जहाँ जुडो के समीप 3-4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और अभी कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहा कि कब तक ये मार्ग खुल पाएगा। सिक्किम के सिंगताम में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वहां से सामने आया, यहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। आपको वीडियो दिखाते हैं जहां पर पहले देखिए छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं और फिर पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। वहां पर चीख पुकार मच जाती है। पहाड़ के बड़े हिस्से के गिरने की वजह से वहां पर बिजली परियोजना का एक प्लांट भी तबाह हो गया, साथ ही 250 मीटर से ज्यादा लंबा इलाके की कनेक्टिविटी तक टूट गई है, जिन्हें बाहर करने में लगातार सेना के जवान जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सिक्किम में देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। पहले आपको बता दें कि छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर पलक झपकते ही चंद सेकंड के अंदर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। आसपास वहां पर लोग वहां मोबाइल में इस तस्वीर को कहते हुए नजर तो आए हैं लेकिन साथ साथ हैरान परेशान चीख पुकार वहां पर मच गई। पहाड़ के बड़े हिस्से के गिरने की वजह से बिजली परियोजना का एक प्लांट भी वहां पर तबाह हुआ है, चूंकि ये पहाड़ वहीं पर था और ऐसे में 250 मीटर से ज़्यादा लंबा इलाके की जो कनेक्टिविटी है बताया जा रहा है वो टूटी है। हालांकि सेना के जवान लगातार इसे बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर जैसलमेर के पानी पानी होने की, सरहदी जिले के जैसलमेर में इस बार जमकर बदरा बरस रहे हैं। इंद्रदेव मेहरबान हैं और पिछले कई दिनों से फलसूर सहित आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 5 अगस्त को हुई बारिश से भड़ियाड़ा उपखंड क्षेत्र के राडिया सांगाबेरा स्वामी जी की धारी फलसूर पूला सर सहित एक दर्जन से ज्यादा गाँव टापू बने हुए हैं। फलसूर कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो रखे हैं तो वही ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान हैं। ज्यादा बारिश के चलते पुरानी नदियां भी बहना शुरू हो गई हैं तो वही नदी निकासी पर किए गए अतिक्रमण पर पानी की समस्या की निकासी नहीं हो पा रही है, समय पर नहीं निकासी हो पा रही। ज्यादा बारिश से दर्जनों पशुधन की मौत हो चुकी है, बिजली गुल भी कई दिनों से यहाँ पर है। तो पहाड़ों पर जोरदार बारिश की वजह से सैलानी जगह जगह पर फंसे हुए हैं तो वहीं टिहरी में खराब मौसम के बीच 17 लोग फंस गए थे, बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी को बचा लिया। तो बारिश किस तरीके से मुसीबत बनी हुई है, अलग अलग इलाके की तस्वीरें और यहां पहाड़ों पर देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और वहां पर फंसे पर्यटकों को बाहर निकाला। पर रस्सी में लटकती जिंदगी और नीचे अपनी आगोश में लेने के लिए लहरों का वेग आमादा है। टिहरी से ये बेहद ही दहशत में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश होने से टिहरी में जगह जगह रास्ते बंद हैं, नदी नालों में उफान है जिससे यहां आए पर्यटकों की जान पर बनाई है। टिहरी में कुमलडा बरसाती नाला नदी की शक्ल में बहने लगा है जिसके बाद पास के रिजॉर्ट में 17 लोग फंसे रह गए। वहाँ से निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा था जिसमें 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग शामिल थे। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश की वजह से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो गया।
बरसात के मौसम में पहाड़ों की यात्रा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है जिससे पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिर रहे हैं। वहीं बागेश्वर में देर रात से भारी बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कपकोट में भारी बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, हाईवे बंद हो गया है, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर सुरक्षा बल को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यहां आतंकियों के अंडरग्राउंड के ठिकाने का पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें कि दरहाल और सगरावत के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान इस ठिकाने के बारे में जानकारी मिली। सुरक्षा बल ने यहां से बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया। हालांकि सर्च ऑपरेशन से पहले ही सभी वहां से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर का राजौरी इलाका, जहां पर जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के इस अंडरग्राउंड ठिकाने के बारे में जानकारी मिली है। अंडरग्राउंड ठिकाने का भंडाफोड़, लेकिन जब तक सेना के जवान वहां पर पहुंचे तब तक आतंकी फरार हो चुके थे, लेकिन वहां पर सामान आप जरूर देख सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है, बात अब दरबार और दरबारी तक पहुंच चुकी है। जिस झगड़े के स्वाद अखिलेश यादव ने की, उसे केशव प्रसाद मौर्य ने अब और आगे बढ़ा दिया है। ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते हैं, अपनी जाति का भला कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी दरबार में कौन दरबारी है, किसकी तरफदारी है और किसकी सियासी लाचारी है, वो अखिलेश यादव और केशव मौर्य के जुबानी हमले में साफ साफ झलक रही है। अखिलेश केशव को दरबारी बता रहे तो केशव अखिलेश यादव को, और इस वाक युद्ध में बात मुलायम सिंह तक पहुंच चुकी है। ये बयानवीर हैं, रोज बयान देंगे, लेकिन गरीब का भला नहीं कर सकते, पिछड़ों का भला नहीं कर सकते, दलितों का भला नहीं कर सकते, ये केवल अपने परिवार का भला कर सकते, अपनी जाति का भला कर सकते। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दरबारी बताया, जिस पर डिप्टी सीएम ने भी तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने लिखा, कोई उप डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन का प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, लेकिन है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। अखिलेश के इस उप और चुप वाली टिप्पणी पर केशव मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही दिया। केशव मौर्य ने लिखा, धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव दरबारी बन जाएगा गांधी परिवार का। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी हमले हो चुके हैं, जब अखिलेश ने केशव मौर्य को डिप्टी सीएम मानने से इनकार कर दिया तो केशव मौर्य ने कहा अखिलेश की साइकिल पंचर हो चुकी है। मिलियन का नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे दो मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानता, पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है, झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल से फई जाएगी। यानी जो लड़ाई लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हुई वो उपचुनाव तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर प्रदेश के दो बड़े नेता बार बार एक दूसरे पर हमलावर क्यों हो रहे? आखिर क्यों केशव मौर्य और अखिलेश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते? क्या इस लड़ाई में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक की कसक है? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन दरबारी पर सियासत अब भी जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। आठ राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है, तो वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र को बिहार से टिकट दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए किरण चौधरी को हरियाणा से प्रत्याशी बनाया गया है। असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली बीजेपी उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में बीजेपी राज्यसभा के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू आज नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान की मिट्टी का मैं कर्जदार रहूंगा, पूरी इज्जत और शान से राजस्थान की सेवा करूंगा। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का बिट्टू ने आभार भी जताया। आपको बता दें कि बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी उनके ऑपोजिशन में उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। ऐसे में यहां पर जीत निर्विरोध तय है। रवनीत सिंह बिट्टू मोदी कैबिनेट का हिस्सा है और राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए आज अपना नामांकन राजस्थान से दाखिल कर रहे हैं। इनके एमएलओ के कारण, एमएलए लोगों के कारण बने हैं, तो मैं हाथ जोड़ अपनी तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूं। मेरे ऊपर हमेशा ये राजस्थान का ये बहुत बड़ा कर्ज जो मेरे ऊपर चढ़ा है, और मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ये पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला किया है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही एक दोनों बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट हमेशा दुश्मन को रोक के रखते हैं, और हिंदुस्तान भारत की हमेशा अपनी जान कुर्बानी दे के कोई भी आंच है ये दोनों सूबे आने नहीं देते। और दूसरी बात, हमारा स्टेट्स हैं जो एडजर्निंग स्टेट्स हैं, बॉर्डर पे पंजाब और हरियाणा लगता है दोनों का, और मैं अपनी तरफ से मुझे ये मौका मिला है जो राजस्थान से एमपी बनने का, राज्यसभा में जाने का, मैं जो हमारी पगड़ी है राजस्थान की पगड़ी उसे हमेशा, और उसका रंग है जो और भूरा होगा, और इज्जत और शान से राजस्थान की सेवा करेगी। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की तुलना सांप से करते हुए कहा कि बीजेपी विष जैसी है, इसीलिए उसे चाटने की नहीं बल्कि निकाल कर फेंकने की जरूरत है। देखो, अगर आप बोलेंगे गलती से ये सांप है भाई, इसको नहीं छूना बोल के अगर मैं बोला, वो कैसा रहता देखेंगे बोल के पकड़ने गए तो आपको वो विष तुम्हारे शरीर में उतरेगा। नहीं मैं जरा विष है भाई, इसको मत आप छुओ बोल के अगर मैंने कहा, नहीं मैं चारा चाट के देखता हूं, अगर आप बोलेंगे तो क्या हालत होगी तुम्हारी। वैसा ही बीजेपी एक विष है जैसा है, एक पॉइजन जैसा है, इसको चाट के देखने की जरूरत नहीं, इसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। चलिए एक खबर आपके लिए बता दें, चूंकि नई जो बीमारी है वो एंट्री कर रही है भारत में, मंकी पॉक्स को लेकर भारत ऐसे में अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बीच दिल्ली एम्स ने मंकी पॉक्स को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स रोगियों के प्रबंधन के लिए एसओपी भी जारी की है, जिसके मुताबिक बुखार, दाने या संक्रमित मंकी पॉक्स मामले में संपर्क में आने वाले मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, त्वचा के घाव होने पर आप अलर्ट रहें, जबकि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए कहा गया है ताकि वो किसी दूसरे रोगी को अस्पताल या कर्मचारी के संपर्क में ना आए। और इस खबर के साथ मारुआ स्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबंद।